हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे पर्यावरण ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके यूक्लिडेट सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ज़्यादा? क्योंकि ये एससीईआरटी की बुक्स है जो आपके बेसिक स्कूलों में चल रही है, परिषदीय विद्यालयों में चल रही है बुक। एससीईआरटी की सरकारी किताब से सारे क्वेश्चन है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम भी यूपीटेट का है, सीटेट का है, तो ये जो किताबें चलती है गवर्नमेंट के द्वारा उसी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो सब कुछ सही है तो एक मैसेज कीजिए, क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। तो क्या आप लोग हमें सुन रहे हैं? ओके, जल्दी से बताइए। ओके, यहां पे हम चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। अगर चलिए, वेरी गुड। ओके, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए स्क्रीन पे देखिए दिख रहा होगा। एक मिनट, बस जस्ट एक मिनट का टाइम दीजिए और यहां पे देखिए सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। वेरी गुड। यहां पे आपको रुकिए, यहां पे लिखा है, देखिए क्वेश्चन आप सभी को बता देते हैं। ये स्क्रीन पे पूरा क्लियर नहीं दिख पा रहा है। अपशिष्ट से मुक्ति पाने से संबंधित तीन आर में सम्मिलित नहीं है। अपशिष्ट से मुक्ति पाने से संबंधित तीन आर में सम्मिलित नहीं है। तो मेनली तीन आर हम लोग जो पढ़े थे, यहाँ पे तीन आर ना होकर के चार आर हमने एससीईआरटी में बताया था। तो एससीईआरटी देखिए, हम इसलिए तीन आर यहाँ पे लिए क्योंकि आप लोगों को मुझे समझाना था अपशिष्ट से मुक्ति पाने से संबंधित कौन सा विकल्प होगा जो सम्मिलित नहीं। कम उपयोग, पुनरुद्भवन, पुनः उपयोग, पुनः चक्रण, ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा सही होता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है मेनली सी। यहाँ पे देखिए लिखा है पुनरुद्भवन, ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है। यहाँ पे लिखा है जो पुनरुद्भवन नहीं होगा। पुनरुद्भवन को कहते हैं इंग्लिश में रीजनरेशन कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिए, जो फोर आर मैंने बताया था आपकी एससीईआरटी में, फोर आर क्या था? पहला आर वन जो था रिफ्यूज करना, एक मिनट, रिफ्यूज करना था, रिफ्यूज करना यानी कि मना करना, ठीक है। दूसरा आर टू था रिड्यूस करना, रिड्यूस था, रिड्यूस मतलब कम करना। तीसरा आर थ्री था, इसमें क्या है? रीयूज, रीयूज यानी कि पुनः उपयोग करना। और फोर चौथा आर क्या था? वो था रीसाइकिल, रीसाइकिल पुनः चक्रण करना। लेकिन इसमें रीजनरेशन नहीं। रीजनरेशन में क्या होता है? किसी भी जंतु का एक पार्ट टूट जाता है फिर उससे एक दूसरा पार्ट बन जाता है, रीजनरेशन वो होता है, पुनरुद्भवन होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग क्वेश्चन रिप्लाई करते रहिएगा, एससीईआरटी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे हमने हाथ से लिए हैं खुद कलेक्ट करके। निम्नलिखित में से कौन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? शैवाल, लाइकेन, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा यहाँ पे? तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है लाइकेन, हमने आपको बताया है। और ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वायु प्रदूषण का सूचक निम्नलिखित में से कौन सा? तो लाइकेन। और कैसे ये प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? जहाँ पे लाइकेन होगा, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का जहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा होगा, जिस वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पे लाइकेन आपको नहीं मिलेगा। ये एक पौधा है जिसमें कि कवक और शैवाल दोनों का सहजीवन पाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन स्मॉग है। स्मॉग क्या है? स्मॉग विकल्प आप सभी के सामने है। वेरी गुड, आप लोग रिप्लाई करिए। ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है। स्मॉग है कोहरा एवं धुआं, विकल्प हमारा सही होता है सी, कोहरा एवं धुआं, ठीक है। चलिए, स्मॉग एक प्रकार का क्या है? वायु प्रदूषण है जो हवा में धुएं, स्मॉग है। तो ये स्मोक प्लस फॉग, तो इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं ना।
फॉग से हो गया कोहरा, स्मोक से हो गया धुआं, स्मोक और फॉग मिल करके स्मोक बना लेते हैं, ये हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। निम्न में से कौन सा यौगिक है, निम्न में से कौन सा यौगिक, यहाँ पे यौगिक पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा यौगिक है, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वायु। वेरी गुड, आप लोग रिप्लाई करते रहिएगा, वीडियो को लाइक साथ साथ में करते रहिए। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा सही होता है, वेरी गुड, यहाँ पे देखिए यौगिक होगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। देखिए यौगिक और मिश्रण में एक सिंपल सा डिफरेंस आपको बताते हैं, यौगिक और मिश्रण में मिलिए, देखिए अभी आप ये नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन में नहीं कंफ्यूज करेंगे, लेकिन वायु और कार्बन डाइऑक्साइड में आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक तत्व मिले होते हैं, लेकिन वो उनका अनुपात फिक्स नहीं होता, उनका जो रेशियो होता है वो फिक्स नहीं होता, वो घटते बढ़ते रहते हैं। आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं, और जो यौगिक होते हैं उनका उनका रेशियो फिक्स होता है। देखिए जैसे हमने एग्जाम्पल आपको बता दी, हम एग्जाम्पल H2O पानी का हम बताते हैं, ये पानी यौगिक है कि मिश्रण, अभी आप क्लियर बता दीजिएगा। देखिए साथ साथ में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए। अब देखिए जो यौगिक H2O की बात हम करते हैं, पानी में हाइड्रोजन दो होना चाहिए, ऑक्सीजन एक होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन एक हो गया, पानी दो हो गया, तो जल कभी नहीं बनेगा, इनका अनुपात फिक्स है। किसी भी कंडीशन में पानी में 2:1 का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जरूर रहेगा। क्लियर हो गया, ये हो गया यौगिक। लेकिन मिश्रण में अनुपात फिक्स नहीं होता, जैसे आप शरबत बना रहे हैं, आप 1 लीटर पानी लिया, आपने 1 पाव चीनी घोल दिया, आपको मीठा ज्यादा पसंद है तो आप इस तरीके से करेंगे, मीठा कम पसंद है तो आप क्या करेंगे, 3-4 चम्मच आप चीनी डालेंगे, फिर नींबू वगैरह डालेंगे, तब भी ये शरबत कहलाए, तब भी शरबत कहलाए। तो ये शरबत हो गया आपका मिश्रण, और ये हो गया आपका पानी यौगिक। तो बात यही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एक रहेगा, ऑक्सीजन दो रहेगा, तो यहाँ पे तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल होती है, कितनी होती है, आप सभी स्क्रीन पे देखिए, आवाज सही नहीं आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 300 मीटर प्रति सेकेंड, 332, 280, 208। ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है बी, वेरी गुड, 332 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्वनि की चाल सबसे कम होती है, ध्वनि की चाल सबसे कम होती है ठोस में, द्रव में, गैस में, कोई नहीं। ऑप्शन यहां पे हमारा सही होगा गैस में, ध्वनि की चाल सबसे कम होती है, और किस में सबसे ज्यादा होती है, तो ये होती है ठोस में सबसे ज्यादा होती है ध्वनि की चाल। क्लियर है, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वेरी गुड, जल की स्थायी कठोरता किसके कारण होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में खूब पूछा जाता है, जल की स्थायी कठोरता किसके कारण होती है। हम सभी आप लोगों को SCERT कंप्लीट करवा देंगे, ऐसे क्वेश्चन से जो इंपॉर्टेंट होगा टॉपिक वाइज सब पढ़ाते चलेंगे। तो विकल्प आप सभी के सामने है, विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन हमारा, वेरी गुड, ऑप्शन हमारा सही होता है सी, कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड, कैल्शियम के सल्फेट, कैल्शियम के क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम के सल्फेट और मैग्नीशियम के क्लोराइड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको चाहे तो अलग से आप लोग नोट कर सकते हैं, जल की स्थायी कठोरता इन दोनों के कारण होती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, दहन में सहायता करने वाली गैस है, दहन में सहायता करने वाली गैस है कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सभी हमने आप लोगों के लिए अलग से इसमें लिखा है, क्वेश्चन कलेक्ट किया है, क्वेश्चन टॉपिक वाइज मैंने बनाया है, इसमें साइंस भी इंक्लूड किया है, EVS का क्वेश्चन भी है, बस ज्योग्राफी ने इंक्लूड किया, तो कल से ज्योग्राफी वगैरह के क्वेश्चन भी हम इंक्लूड करेंगे। तो दहन में सहायता करने वाली गैस कौन सी है, तो दहन में सहायता करती ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, सोडा वाटर, कोला या अन्य झागदार जो पेय होते हैं उसमें जो बुलबुले दिखाई देते हैं वे किसके होते हैं, जब हम सोडा वाटर, कोका कोला, इन सब की जो झागदार पेय पदार्थ होते हैं उन्हें खोलते हैं तो वो बुलबुले जो दिखाई देते हैं वो किसके होते हैं, ऑक्सीजन के, कार्बन डाइऑक्साइड के, नाइट्रोजन के, हाइड्रोजन के, ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा यहाँ पे।
आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्वेश्चन आपको कैसे लगे, आगे क्वेश्चन चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होता है बी, कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, कोयले। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? बहुत ही डिफरेंट और यूनिक क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। आप जब क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे ना तो आपको दिखेगा, मिलेगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ये बर्फ जैसा सफेद दिखने लगता है, इसीलिए इसको शुष्क बर्फ की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, अग्निशामक यंत्र में आग बुझाने वाले यंत्र में कौन सी गैस निकलती है? अग्निशामक यंत्र में से कौन सी गैस बाहर निकलती है? हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये जागरूकता से रिलेटेड क्वेश्चन, देखिए पर्यावरण में मैक्सिमम बच्चों में ये चीजें फैलाई जाती है ना, बच्चे जागरूक हो, तो कुछ जागरूकता से रिलेटेड क्वेश्चन जैसे अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस निकलती है, क्योंकि स्कूलों वगैरह में सभी सार्वजनिक स्थलों पर लगभग अग्निशामक यंत्र रखा होता है, तो बच्चों को जागरूक करना, यानी कि शिक्षक भी जागरूक होगा तभी बच्चों को बताएगा, और शिक्षक कितना जागरूक है इसी का टेस्ट लिया जाता है। हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऑप्शन हमारा सही होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑप्शन हमारा सही होता है बी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, वायु के किस घटक की मात्रा परिवर्तनीय है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायु के किस घटक की मात्रा परिवर्तनीय, किसकी मात्रा बदलती रहती है? जलवाष्प की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? वेरी गुड, ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है जलवाष्प की। जलवाष्प की, धूल के कण की, इन सभी की मात्रा परिवर्तनीय होती है, हमेशा बदलती रहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन जितने भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग साथ साथ में अपनी स्कोरिंग जरूर करते रहिएगा, जिससे हमें भी पता चले आप लोग की तैयारी कितनी हो रही है। हम कमेंट जरूर देखते हैं, ठीक है। विश्व में सबसे अधिक काली मिर्च का उत्पादन कहाँ पे होता है? भारत में, चीन में, पाकिस्तान में, अमेरिका में। तो आप यहाँ पे बताइए, ओके तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है भारत में। विश्व में सबसे अधिक काली मिर्च का उत्पादन होता है भारत में। सारे जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, वनीला प्राप्त किया जाता है, जिसका प्रयोग आइसक्रीम में किया जाता है, वनीला फ्लेवर, ठीक है। वनीला प्राप्त किया जाता है किससे? नारियल से, आर्किड से, कपास से, बिनोले से। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा सही होता है बी, आर्किड से प्राप्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वनीला प्राप्त किया जाता है किससे? आर्किड से। नहीं, इसी वजह से तो मैंने बिनोले लिख दिया था, क्योंकि इससे मैच कर रहा था। ऑप्शन हमारा सही होता है बी, आर्किड से। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन को कहते हैं, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? सेरिकल्चर, एपिकल्चर, दोनों, कोई नहीं। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? सेरिकल्चर, एपिकल्चर, दोनों कहते, कोई नहीं कहते। तो मधुमक्खी पालन को हम कहते हैं एपिकल्चर, ठीक है। मधुमक्खी पालन को हम कहते हैं एपिकल्चर, और सेरिकल्चर किसे कहते हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट, एपिकल्चर भी इंपॉर्टेंट है, सेरिकल्चर भी इंपॉर्टेंट है। तो सेरिकल्चर हम किसे कहते हैं? वेरी गुड, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मछली उत्पादन में वृद्धि करने को कहते हैं, मछली उत्पादन में वृद्धि करने को कहते हैं, क्या कहते हैं? भूरी क्रांति, नीली क्रांति, काली क्रांति, पीली क्रांति। मछली उत्पादन में वृद्धि करने को कहते हैं हम नीली क्रांति कहते हैं। नीली क्रांति मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका, साइट्रस फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो भी फ्रेंड्स नए होंगे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोगों को हम हमेशा बताते हैं साथ में ऐसे बेल आइकन होगी उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। नोटिफिकेशन की बड़ी प्रॉब्लम है,
हम खुद परेशान हो गए नेटवर्क से, कभी रहता कभी नहीं, कब चला जाता है पता ही नहीं चलता है। तो कम से कम ये वजह अगर हो तो सॉल्व हो जाए, नोटिफिकेशन चला जाए जब भी हम वीडियो अपलोड करें या लाइव हो। तो साइट्रस फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन सी, नींबू वर्ग के जो फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। अगला है क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, रेशा प्रदान करने वाला पौधा नहीं है, रेशा प्रदान करने वाला पौधा नहीं है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है? रेशा प्रदान करने वाला पौधा नहीं है, नीम, कपास, जूट, नारियल। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है कौन सा? ऑप्शन हमारा सही होता है ए, नीम। रेशा प्रदान करने वाला पौधा नीम नहीं है, कपास से भी मिलता है रेशा, जूट से भी, नारियल से भी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, रफेज, रफेज सहायता करते हैं, रफेज सहायता करते हैं जिसमें कि फाइबर ज्यादा होते हैं, रफेज सहायता करते हैं पाचन क्रिया में, श्वसन में, प्रकाश संश्लेषण में, उत्सर्जन में। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा सही होता है पाचन क्रिया में, जिनमें फाइबर होता है वो हमारे पाचन क्रिया में बहुत ज्यादा सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुपोषण जनित रोग है, कुपोषण जनित रोग कौन सा है? मेरेस्मस, क्वासरकोर, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो यहाँ पे कुपोषण जनित रोग है, हमारा ऑप्शन सही होता है सी, दोनों है, मेरेस्मस और क्वासरकोर, मेरेस्मस दोनों कुपोषण जनित रोग हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे। नेक्स्ट है, किस खनिज का समावेश, किस खनिज का समावेश दंत वल्क इनेमल का क्षरण रोकता है? जो इनेमल होता है दांत की ऊपरी परत, उसका इने मतलब क्षरण कौन सा खनिज रोकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, फ्लोरीन। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होगा डी, फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? प्राकृतिक पारितंत्र के बारे में पूछा जा रहा है, यहाँ पे आप लोगों को दो तीन चीजें हम बता देंगे जिससे कि एग्जाम में पूछा जाए प्राकृतिक पारितंत्र कौन है और कौन नहीं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग यहाँ पे क्लियर नोट कर लीजिएगा कहीं पे। देखिए, कृत्रिम पारितंत्र और प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण मिलने यही पूछा जाता है, तो आप लोगों को हम बता देते हैं। देखिए, कृषि भूमि, एक्वेरियम, कृषि भूमि, एक्वेरियम, बगीचा, ये सभी कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र हैं, या उन्हें हम पारितंत्र भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वन हुआ, वन, तालाब, झील, नदी, ये सभी क्या हैं? ये प्राकृतिक पारितंत्र हैं। दोनों आप लोग परिभाषा यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो नोट कर लीजिए कि यही पूछा जाता है, एग्जाम्पल ही पूछा जाता है कौन सा कृत्रिम है कौन सा प्राकृतिक है बस। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, तो अब आप लोग टिक लगा सकते हैं कि कौन सा नहीं है। ऑप्शन हमारा सही होता है सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, प्रमुख संसाधन जो स्थल पर जीवन का निर्धारण करता है, प्रमुख संसाधन जो स्थल पर जीवन का निर्धारण करता है, मृदा की प्रकृति, जल, तापक्रम, फिर से जल हो गया, तो यहाँ पे कुछ और लिख लीजिए, कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, जल ही होगा, ठीक है। ऑप्शन हमारा सही होता है बी, जल ही होगा। स्थल पर जीवन का निर्धारण करने वाला प्रमुख संसाधन जल है। संसाधन उसे कहते हैं जो हमारे आस पड़ोस पाए जाने वाली चीजें होती हैं, जिनसे हमारी दैनिक जीवन की आवश्यकताएं पूर्ति होती हैं, वो सभी संसाधन में आते हैं। वन भी संसाधन है, जल भी संसाधन है, तो वन प्राकृतिक संसाधन है और जल भी प्राकृतिक संसाधन ही है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए,
स्थलीय पारितंत्र में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होगी? एक स्थलीय पारितंत्र जो है उसमें निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? अपघटक की, उत्पादक की, प्राथमिक उपभोक्ता की, द्वितीयक उपभोक्ता की। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जो भी पढ़ने वाले लोग हैं, जो भी आपकी पहचान के। ठीक है, तो ऐसे ही जितना आप लोग लाइक करेंगे उतनी हमें एनर्जी मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा। आप लोगों के लिए हम ऐसे हैंड रिटन नोट अवेलेबल करवाएंगे एससीईआरटी बुक से, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसी चैनल पे मिलेगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन हम कहते हैं एससीईआरटी वो सेम टू सेम एससीईआरटी का होता है। ऐसा नहीं कि कोई और क्वेश्चन हम कह दें एससीईआरटी, ऐसा नहीं है। सारे क्वेश्चन आपकी एससीईआरटी से, एक एक शब्द एससीईआरटी का। तो चलिए यहाँ पे ठीक है, आपको ऑप्शन बता देते हैं। एक स्थलीय पारितंत्र में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है अपघटक की होती है, डिकम्पोजर्स की होती है। किसी भी पारितंत्र में सर्वाधिक संख्या अपघटकों की होती है, जिसमें देखिए जीवाणु हो गया, जीवाणु क्या आएंगे? कवक आएंगे। ये अपघटक सूक्ष्म जीव होते हैं तो इनकी संख्या ऑब्वियसली ज्यादा ही होगी। ये मृत जंतुओं और वनस्पतियों को अपघटित करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तो ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे सही होगा, ये अपघटक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड का निर्माण नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड का निर्माण नहीं करता है? कौवा हुआ, कोयल, गौरैया, बुलबुल। थोड़ा सा ब्लर हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा सही होगा? वेरी गुड, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है बी, कोयल। बहुत चालाक होती है कोयल। स्वयं का नीड यानी कि घोंसले का निर्माण नहीं करती, ये अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। सोच लो, आलसी है थोड़ी सी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के लिए सबसे आवश्यक है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे आवश्यक है, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ऑप्शन हमारे कौन सा सही होगा यहाँ पे? देखिए ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होगा, वेरी गुड। आप लोगों को अब थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, आप लोग कहते हैं ना बहुत फास्ट भाग जाते हैं, हम सोचते हैं आप लोगों का टाइम सेव हो, लेकिन कोई नहीं। जब क्वेश्चन आप जब तक नहीं समझेंगे फिर रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, फिर उसका कोई मतलब नहीं होता। तो लास्ट में इसका हम फास्ट रिविजन करवा देंगे, लेकिन धीरे धीरे अभी चलते हैं। निरंतर ऊर्जा प्रवाह होना, ऑप्शन हमारा सही होता है ये, निरंतर ऊर्जा का प्रवाह होना। ऊर्जा के प्रवाह से ही सारा सिस्टम अच्छे तरीके से चलता रहेगा। नेक्स्ट है, सूर्य से प्राप्त होने वाली अधिकांश ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली अधिकांश ऊर्जा पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही नष्ट हो रही है, इसका क्या कारण है? विकल्प आप सभी के सामने स्क्रीन पे, आप लोग देख लीजिए। ऊर्जा के द्वारा ही सबसे पहली चीज है, ऊर्जा का जो प्रवाह हो रहा है उसके माध्यम से। देखिए पहले सबसे बड़ी चीज है कि पौधे भोजन बना ले रहे हैं, फिर उसके बाद से जल चक्र वगैरह सारी चीजें चल रही हैं, तो सब कुछ ऊर्जा से ही चल रहा है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, ऑप्शन हमारा सही होता है डी, अत्यधिक प्रदूषण के कारण। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, पक्षियों का, यहाँ पे देखिए पक्षियों का स्वर्ग, पक्षियों का स्वर्ग की उपमा किस उद्यान को दी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे जितने भी आप क्वेश्चन देखे होंगे यहाँ पे आपको सभी मोस्ट लगे होंगे। पक्षियों का स्वर्ग की उपमा किस उद्यान को दी गई है? केवला देवी घना राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा। ये शॉर्टकट में ऐसे लिख दिया, लिखने में बड़ा टाइम लग रहा था। तो डी कोई नहीं, तो हम जानते हैं हमारे स्टूडेंट बहुत ही जीनियस टाइप के, समझदार है, समझ जाते हैं। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है पक्षियों का स्वर की उपमा दी जाती है ए, केवला देवी घना राष्ट्रीय उद्यान को। ये कहाँ पे है? भरतपुर राजस्थान में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरा सोना की उपमा किसे प्रदान की गई है? हरा सोना की उपमा किसे प्रदान की गई है? जल को, या घास या मिट्टी को, कापर को, वन को। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है, ऑप्शन हमारा सही होता है डी, वन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, पेंगुइन नामक पक्षी कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ पे मैंने वन लाइनर में इसको लिख दिया, कंप्लीट कर दिया। पेंगुइन नामक पक्षी कहाँ पे पाया जाता है?
तो पेंगविन नामक पक्षी पाया जाता है अंटार्कटिका में। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे होते हैं आपके पूरे 30 क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए स्क्रीन पे दिख रहा है, केवला देवी घना। यहाँ पे देखिए, केवला देवी घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कौन सा ऑप्शन सही होगा? अभी मैंने जस्ट आपको बताया, अगर आप लोगों ने ध्यान से क्विज अटेंड किया होगा तो बता ले जाएंगे। और हाँ, ईमानदारी से 30 में आपके कितने सही हो पाते हैं वो बताइएगा। और एससीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैंने देखिए साइंस के क्वेश्चन इसमें लिए प्लस आपके ईवीएस से लिए। कल इसमें हम इंक्लूड करेंगे आपकी ज्योग्राफी, ज्योग्राफी इंक्लूड करेंगे, आपका क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अभी 9:30 बजे आपकी क्लास होगी मैथ्स की। और आप लोगों को लाइव क्लास की टाइमिंग बता देते हैं, आपसे नोट कर लीजिए एकदम से, देखिए ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए। लाइव क्लास की टाइमिंग शाम को होगी। शाम को लाइव क्लास की टाइमिंग है आपकी 7 PM पे, 7 बजे। ठीक है, दूसरी होगी 8:30 बजे, सभी PM पे हैं। और तीसरी होगी 9:30 बजे। और फिर उसके बाद आप जैसा कहेंगी, एससीईआरटी की एक बुक हमको लेके चलनी है तो उसको भी हम कवर करवाएंगे। जैसा अगर आप लोग कहेंगे तो 9:30 के बाद हम 10:30 तक की क्लास ले सकते हैं, क्योंकि हम थोड़ा लेट सोते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं। जैसा आप लोग कहेंगे, कवर आप लोगों को करवाना है, एग्जाम आप लोगों को देना है, तो जैसा आप लोग बताएंगे हम वैसा करेंगे। ठीक है, डेली क्लासेस 7 बजे, 8:30 बजे, 9:30 बजे। और उसके बाद भी अगर आप लोग कहते हैं एससीईआरटी के लिए, एससीईआरटी की बुक अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो हम आपकी 10 या 10:30 बजे से कवर करवा देंगे, जैसे आप लोग टाइमिंग हमको बताएंगे। ठीक है, चलिए ये रही आपकी क्लासेस की टाइमिंग। तो कल से जो सीडीपी हम करेंगे ना, कंटिन्यू चैप्टर वाइज सारे आपको क्वेश्चन करवाएंगे, पूरा डिटेल में बताते हुए चैप्टर वाइज। जितने जैसे अधिगम अभी हम लेके चल रहे हैं, अधिगम हम लेके चल रहे हैं, अधिगम के सारे सिद्धांत हम कवर करेंगे। आज एक वीडियो कवर किया, उसमें 40 क्वेश्चन हुए। कल की वीडियो में हम 30 से 35 क्वेश्चन कवर करेंगे, सारे एकदम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन करवाएंगे, सारे मोस्ट क्वेश्चन करवाएंगे टॉपिक वाइज। तो अधिगम हम जो लेके चल रहे हैं, लर्निंग वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। लर्निंग में कितने सिद्धांत हैं, सभी के सिद्धांत उसमें आ जाते हैं, और साथ में लर्निंग में ही अधिगम का वक्र है वो लेके चलेंगे। तो ये 7 बजे हम जितना है सीडीपी का पोर्शन टॉपिक वाइज लेके चलेंगे। अभी आज से मैंने स्टार्ट किया, तो पहला हमारा टॉपिक है लर्निंग। अपने एनर्जी के साथ, जोश के साथ हमने क्लासेस शुरू कर दी है। तो आप लोग अगर सच में सफलता चाहते हैं तो जरूर जुड़ जाइए। और यहाँ पे आपको एससीईआरटी से बेस, एससीईआरटी के बेस से मिलेगा, सीडीपी आपका पूरा जिस तरीके से यूपीटेट सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे मिलेगा। हम टॉपिक वाइज लेके चलेंगे, इधर उधर अब कूद फांद के नहीं चलना है। तो लर्निंग का टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट मैंने उठाया है, तो वहाँ आप लोग जरूर देखिए। आज मैंने 40 कराए, कल 30 से 35 के क्वेश्चन के करीब कराने वाले। वैसे 70 क्वेश्चन का मैंने टारगेट वो रखा है, 70 क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे इसमें आ जाएंगे। और लगभग इसमें से 7 से 10 क्वेश्चन मतलब आपका फंस सकता है। सभी जितने भी यहाँ पे मनोवैज्ञानिक, उनके सिद्धांत हो गए, अधिगम का वक्र इसमें इंक्लूडेड है। तो इतना करेंगे, ठीक है। हाँ, ये पूरी एनर्जी के साथ चलिए, एक बार फिर से जुटते हैं, जिस तरीके से हम लोग अभी इससे पहले की यूपीटेट और सुपर टेट में जुटे थे। तो कंटिन्यू क्लासेस चलती थी, आप लोग एनर्जी दिखाएंगे तो हम कभी पीछे नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो मेरी हॉबी में शामिल है। तो मिलते हैं फिर, ठीक है। 9:30 बजे मैथ्स की क्लास होगी, जो लोग मैथ्स में इंटरेस्टेड होंगे जरूर आइएगा। और एक चीज़ और जानी, मैथ में भी 30 ही नंबर मिलता है आज, जानते कभी कभी 25+ हो जाता है। लेकिन मैथ्स में मेरे जितने भी लगभग जानने वाले रिलेटिव ही हैं, तो पता है किसी के 5 नंबर, किसी के 8 नंबर, ऐसे है तो बहुत बहुत स्कोरिंग बहुत गड़बड़ हो गई है पूरी टेट वगैरह में मार्क्स। तो मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, नहीं आ रहा फिर भी 15+ आप लोग उसमें जरूर गेन करिए। ठीक है, ओके दीपिका, थैंक यू सो मच। तो सर से पढ़िएगा, सर बहुत अच्छे से समझाते हैं, और वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं मैथ्स के, जो कि आपके यूपीटेट डिफरेंट टेट सीटेट यूपीटेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब आप पेपर उठा के देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर 9:30 बजे, सर के साथ आप लोग क्लास कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट, कल मिलते हैं शाम को 7 बजे, टाइमिंग आप लोग नोट करे रहिए। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। जाते जाते आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करते जाइएगा। थैंक यू।